हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। फाइनेंस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कब आएगा, कब फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, कितनी दौड़ होगी, दौड़ कहाँ पर होगी, इन्हीं सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। पर दोस्तों यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड में 700+ वैकेंसी आउट हुई थी। दोस्तों इसमें फॉर्म फुलफिल करने के बाद कुछ महीने बाद इसमें एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था, लेकिन दोस्तों एग्जाम के बाद रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन दोस्तों रिजल्ट के बाद फिजिकल डेट आउट नहीं हुई है। दोस्तों फिजिकल डेट की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है कि फिजिकल कब होगा। दोस्तों 50% चांस है कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल अप्रैल मंथ के बाद करवा लिया जाए। पर दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि अभी कोई फिजिकल का डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उम्मीद है कि डेट जल्द आ जाएगी, इसलिए वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम क्रॉस कर लिया है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। दोस्तों इसी के साथ बता दूं कि फिजिकल में लड़कों को 25 किलोमीटर की दौड़ होगी और लड़कियों की 10 किलोमीटर की। दोस्तों अभी बात करें रनिंग टाइम की, तो लड़कों को 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में और लड़कियों को भी 10 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करनी होगी। दोस्तों रनिंग टाइम एक है और डिस्टेंस अलग अलग है। दोस्तों रनिंग के बाद लड़कों की हाइट, वेट और चेस्ट चेक होगी और लड़कियों की हाइट चेक होने वाली है। ये प्रोसेस फिजिकल का था, कोई भी भाई टेंशन ना ले, जल्दी फिजिकल डेट आने वाली है, सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।